कल्याण फाटा से बाईपास तक अनगिनत गड्ढे, 4 दिन की बारिश से सड़क पर गड्ढे ही गड्ढे। प्रहार टाइम्स की न्यूज देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम, मैं सबिया हुसैन शेख, आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। इस वक्त हम है मुंबई पुणे हाईवे के कल्याण फाटे पर। आप देख सकते हैं, हम आपको दिखा रहे हैं रोड का हाल। 2 महीने पहले ही ये रोड बनाया गया था और अब 4 दिन की बारिश के में यहाँ पे गड्ढे हो गए और गड्ढे इस तरीके से है कि इन गड्ढों में पानी भर जाने की वजह से यहाँ से जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ गुजरती है उन्हें ये समझ में नहीं आता है ड्राइवर को ये गड्ढा है या रोड है। इन गड्ढों में इस तरीके से बारिश का पानी भर चुका है और यहीं से भारी भारी गाड़ियाँ गुजरती है। इसी रोड से रिक्शा, टू व्हीलर और कार भी गुजरती है, जिसके वजह से इन गड्ढों से एक्सीडेंट होने का खतरा बढ़ जाता है। इन गड्ढों से कई बार गाड़ियाँ पलट चुकी है, बड़ी बड़ी गाड़ियों में कई टन वजन होता है और गाड़ी पलट जाती है। दिन में तो ये गड्ढा दिखाई देता है ड्राइवर को, पर रात जैसे ही होती है वैसे ही यहाँ गड्ढा दिखाई नहीं देता है, क्योंकि इन गड्ढों में पानी भर जाने की वजह से ड्राइवर को नहीं समझ में आता है ये रोड है या गड्ढा। आइए हम आपको नज़दीक से दिखाते हैं कि किस तरीके से ये रोड के बीचों बीच गड्ढा हो चुका है। यहीं से और भी हाईवे पे आपको आगे का भी हम हाल दिखाना चाहते हैं कि यही ये जो रास्ता आप देख रहे हैं रोड, ये सीधा पुणे हाईवे जाता है और यही रोड से आगे सिटी जाने का भी रास्ता है जो मुमरा सिटी में गुजरता है। हम आपको मुमरा सिटी के यहाँ जो जाता है रोड उसका भी हाल हम आपको आगे दिखाते हैं। इस वक्त हम है सील फाटा के खान कंपाउंड में। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कितना बड़ा गड्ढा है। अभी अभी यहाँ पे बैरिकेड लगाया गया है और आपको दिखा दें किस तरीके से इस वक्त इन लोगों ने बैरिकेड लगाया। इससे पहले यहाँ कोई बैरिकेड नहीं लगा हुआ था। इसी इतने बड़े खड्डों में से बड़ी बड़ी गाड़ियाँ यहाँ से गुजरती थी। ट्रक में कई टन वजन का माल भरा हुआ होता है और इन गड्ढों में से जब वो गुजरती है तो बताइए क्या हाल होता होगा। जब इन गड्ढों से ये बड़ी बड़ी गाड़ियाँ गुजरती है तो ये गाड़ी पलटने के पूरे पूरे चांस दिखाई देते हैं और किस तरीके से इस गाड़ियों में कई बार इन गड्ढों में से कई बार गाड़ियां पलट चुकी है। आइए अब हम आपको और भी आगे का हाल दिखाते हैं। मुमरा सिटी में हम धीरे धीरे पहुंच रहे हैं और आपको दिखा रहे हैं आगे का हाल। अब हम खड़े हैं भारत गेट के सामने। यहीं से मुमरा सिटी स्टार्ट होता है। आप देख सकते हैं यहाँ से गाड़ी किस तरह से हिचकोले खाते हुए इन गड्ढों से गुजर रही है। यहाँ पे गए साल भी, गए बारिश में भी यहाँ पे इसी तरह रेती और सिर्फ पत्थर डाल के रोड का काम किया गया और अब भी ये साल भी जो बारिश हो रही है इसमें भी सिर्फ पत्थर और मिट्टी डाल के रोड बनाया गया है, ना तो इसे पूरी तरीके से बनाया जाता है। इसी तरह टेम्परवारी इसमें काम करके छोड़ दिया जाता है। अगर ऐसे में किसी का एक्सीडेंट होता है तो इसका जिम्मेदार कौन? आप देख सकते हैं इस गड्ढों में सिर्फ पत्थर और मिट्टी डाल के भरा गया था। अब भारी बारिश होने के कारण ये पानी की वजह से यहाँ से मिट्टी बह चुकी है और पूरे ही पत्थर दिखाई दे रहे हैं। अब हम पहुँचे हैं मुमरा बाईपास पर। आप देख सकते हैं इन गड्ढों में किस तरह चारों तरफ पानी भरा हुआ है। कल्याण फाटा और सिल फाटा से सिटी में यहीं से गाड़ियाँ जाती है, किस तरीके से गुजरती है आप देख सकते हैं। शासन प्रशासन आखिर क्यों नहीं रोड का काम करती है? जब गर्मियों का मौसम होता है तब रोड का काम किया जाता है और जो भी ये लोग क्वालिटी यूज़ करते हैं, क्या शासन प्रशासन जो भी इस मटेरियल यूज़ करते हैं क्या वो हल्के क्वालिटी का मटेरियल यूज़ करती है? जो महीने 2 महीने में ही ये रोड टूट फूट जाता है और पूरे गड्ढे ही गड्ढे हो जाते हैं, क्या शासन अब भी सो रही है या कोई हादसे का उनको इंतज़ार है? कैमरामैन हुसैन के साथ मैं सबिया हुसैन शेख।